गुड मॉर्निंग। हमने क्षितिज से चार और एक कृतिका का पाठ पढ़ा, उसका पुनराभ्यास किया। तो आज मैं कुछ शब्द आपको लिखवाऊंगा मेरे संग की औरतें पाठ से। पहले मैंने और लिखवाया था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इससे नहीं लिखवाया था शायद, तो मैं कुछ शब्द इसमें से आज लिखवाता हूँ, फिर अगले दिन हम लोग व्याकरण का काम करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है पर्दा नशीन। वैसी महिला जो पर्दे में रहती हो, यानी घर के भीतर रहती हो या बाहर भी निकलती हो तो कुछ पर्दा करती हो, उसको पर्दा नशी कहते हैं। दूसरा है बैरिस्टरी। बैरिस्टरी पहले एडवोकेट को बैरिस्टर कहते थे, जो आज वकालत है, जो लॉ की पढ़ाई होती है, वो पहले अंग्रेजों के समय में उसको बैरिस्टरी कहा जाता था, मतलब वकील को बैरिस्टर ही कहते थे तब, तो बैरिस्टरी हो गया। उसके बाद विलायती, इसका अर्थ हो गया विदेशी। इसके बाद है मुंहजोर। जो ज़्यादा बोले या जवाब दे बातों का, उसको मुंहजोर कहते हैं। जो बात में पीछे नहीं हटे, दबे नहीं, तो उसको हम लोग बहुत, यहाँ जो अर्थ है वो बहुत बोलने वाले के अर्थ में ही है, बोलने वाली, इस पाठ में स्त्री के लिए ही प्रयोग में हुआ है ये शब्द। मुजोर लिहाज, लिहाज कहते हैं, सम्मान भी कह सकते हैं, संकोच भी कह सकते हैं। सम्मान, संकोच, लज्जा के अर्थ में भी कई बार प्रयोग होता है। अदब, अदब कह सकते हैं इसको। लिहाज, अदब, सब एक ही तरह के शब्द हैं। नज़ाकत, नज़ाकत होता है शायद, नज़ाकत, कोमलता। सही शाब्दिक अर्थ तो यही है इसका, और कई बार जब प्रयोग करते हैं तो अलग, नज़ाकत से काम करना मतलब बड़ी बारीकी से काम करना, बहुत कोमलता से काम करना कि कुछ टूटे नहीं, ऐसा भी प्रयोग होता है। हैरत अंगेज, आश्चर्यजनक, जिससे आश्चर्य हो जाए, हैरत हो जाए, हैरानी हो जाए। फरमाबरदार, इधर आएगा थोड़ी मिटाई, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख इसको लिख लीजिएगा। फरमाबरदार, फरमाबरदार का मतलब होता है आज्ञाकारी,
ठीक है। आजाद ख्याल, यहां महिला के लिए ही प्रयोग हुआ है तो मैं लिखता हूं स्वतंत्र विचारों वाली। दखल, दखल दखल का मतलब होता है हस्तक्षेप। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसना या वैसा कुछ करना जिससे उसको लगे कि मेरे क्षेत्र में घुस रहे हैं, ऐसी स्थिति में दखल कहते हैं। हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना। पुश्तैनी, पुरखों से मिली हुई चीज या पुरखों से चली आ रही को पुश्तैनी कहते हैं। खानदानी सही नहीं होगा, पूर्वजों से चली आ रही या पूर्वजों की शोहरत, शोहरत प्रसिद्धि, नाम होना। तिलस्म, तिलस्म इधर ही लिख देता हूं मैं, तिलस्म रहस्य। उसके बाद है शख्सियत, अच्छा छूट गया, शख्सियत व्यक्तित्व। एक छूट गया था उपकथाएं, छोटी कहानियां। परिजात, जात मतलब जन्म, उस संतान को कहते हैं जिससे जन्म हुआ हो, इसको आप कह सकते हैं परी की संतान। आशा है दिख रहा होगा साफ साफ, परी की संतान। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं।
ममतालु प्रत्यय में आप लोग अक्सर आलू खोजते रहते हैं कि आलू प्रत्यय ममतालु ममता के साथ या ममत्वपूर्ण भी कह सकते हैं इसको, वात्सल्य से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ, इस तरह। मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, इतना समझ ही लीजिए। ममता के साथ, ममता से युक्त, गोपनीय गुप्त रखने योग्य को गोपनीय कहेंगे। निजत्व निजत्व को अंग्रेजी में प्राइवेसी कहते हैं। किसी भी काम को में दूसरों का दखल ना होना, या किसी भी कार्य को, मैंने कुछ यहाँ लिख के रखा था, अपने कार्यों पर अपना अधिकार होना, दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होना, या अपने कार्य पर अपना अधिकार होना, या मतलब आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा आपको बार बार पूछ नहीं रहा हो, टोक नहीं रहा हो, यही है पर प्राइवेसी या निजत्व। फजल फजल कृपा दया अनुग्रह, और भी कई सारे शब्द हैं इसके लिए। अपरिग्रह संग्रह न करना, जमा नहीं करना कोई चीज, ठीक है। पोशीदा गुप्त या छुपा हुआ, छुपी हुई, पोशीदा, कहाँ गया पोशीदा। बदस्तूर, इसमें ब उपसर्ग होता है, बदस्तूर बदस्तूर, दस्तूर मतलब होता है नियम रिवाज, तो इसको आप नियम से कह सकते हैं। को हम मिटा देते हैं, अच्छा है लिख लिया होगा, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा।
मज़ेदार तो तभी होता है जब आप साथ के साथ लिखते जाएं। मैं थोड़ा जल्दी मिटा भी रहा हूँ, लेकिन मर्तबा, मर्तबा कई मर्तबा कहा है ऐसा आपने सुना होगा, क्या मतलब होता है बार, कई बार, दफा, कई दफा कहा, गुमान, अनुमान कह सकते हैं इसको, लेकिन अनुमान एकदम ठीक नहीं, जैसे सोच कह सकते हैं, जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, तो मुझे उम्मीद, आशा भी कह सकते हैं। मुझे गुमान ही नहीं था कि ऐसा होगा, इस तरह से प्रयोग होता है इसका। जुस्तजू, नुक्ता का मुझे ध्यान नहीं है कहाँ लगता है इसमें कि नहीं लगता है। खोज, तलाश या चाह भी कह सकते हैं। असंगत, बेतुका, दुर्योग, बुरा योग, सुयोग मतलब अच्छा योग, या संयोग, बुरा संयोग भी कह सकते हैं। कोई ऐसा चीज हो जाना जो बुरा हो हमारे लिए। मिराक, मानसिक विकार, मानसिक रोग। पागलपन कह लीजिए। मोहलत, छूट या अवकाश। फारिग, काम से निवृत्त, या फुर्सत, फुर्सत दोनों तरह से लिखते हैं, पूरा रॉ भी लिख सकते हैं। इसरार, आग्रह, जिसको अंग्रेजी में इंसिस्ट कहते हैं, मतलब किसी काम के लिए जोर देना, आग्रह करना। माकूल, नामाकूल मतलब उचित नहीं, योग्य नहीं, योग्य उचित। या यथोचित भी कह सकते हैं, जैसा जरूरत है। माकूल जवाब मतलब जैसा जवाब चाहिए था।
यथोचित। तो ये काफ़ी सारे शब्द हैं जिनको पहले मैंने लिखा, फिर आपको लिखवाया। आप इनको याद करेंगे अर्थ सहित, इनको लिखने का अभ्यास करेंगे। ये मैं चेक भी करूंगा कि आपने लिखा कि नहीं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर व्याकरण का अभ्यास करेंगे दोबारा से, उपसर्ग और प्रत्यय का। तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर उसमें जो शंकाएं हो वो मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।